तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल, है ना, कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका अमाउंट ले लो, आप यूनिट्स के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो टोटल सेल इन रुपीज़ और ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन रुपीज़, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट, जो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कंपनी को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा, उससे कितना ज़्यादा वो अर्न कर रही है, है ना, उसी को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। तो इट मे बी इन रुपीज़ और इन यूनिट्स, है ना, दोनों की फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, मे बी इन रुपीज़ मे बी इन यूनिट्स। सेकेंड फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो, कि जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यूनिट्स के फॉर्म में वही, सेल्स यूनिट में, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में, और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा अगर आपने यूनिट्स में निकालना है। परसेंटेज के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज में आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो अमाउंट आप निकालेंगे रुपीज़ में, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल सेल, कि आपकी टोटल एक्चुअल सेल कितनी है, इनटू 100। तो ये हमारे फार्मूले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, है ना। इसको निकालने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी को ये पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा अर्न कर रही है, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज़्यादा अर्न कर रही है। तो अगर उसको कोई डिसीज़न लेना हो वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट, तो वो डिसीज़न ले सकती है। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, जिसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है डिफरेंट केसेस में। सबसे पहले देखो फर्स्ट ए पार्ट, प्रॉफिट आपको दिया है 20,000, पी वी रेशियो है 40%। तो सिंपल आपका फार्मूला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो, तो आपने फार्मूला पुट करना है, ये आपके पास आ गया 50,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, ये 50,000 आ गया। सेकेंड आपसे इसने पूछा है सेल, 20,000 यूनिट्स आपको दी हुई है, ब्रेक इवन पॉइंट है 15,000 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आप निकाल सकते हैं, 20,000 माइनस 15,000, ये आपका हो गया कितना, 5,000 यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थर्ड पॉइंट जो इसने पूछा है वो देखिए, सेल है 3 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट है 4,50,000। तो अब ये देखिए, जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ सेल है 3 लाख, बट ब्रेक इवन पॉइंट इज़ मोर देन एक्चुअल सेल, इट मीन्स कंपनी इज़ अर्निंग लॉस, कंपनी को लॉस हो रहे हैं, है ना। तो इस मीन्स यहाँ पर कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कम है। तो देखिए यही लिखा है, एज द अमाउंट ऑफ सेल इज़ लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट, देर इज़ नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15, इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड एसर्टेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट दी है 8,000 और वेरिएबल कॉस्ट दिए है रुपीज़ 4, सेल्स फॉर द ईयर है 20,000, सेलिंग प्राइस आपको दिया है 20, है ना। तो फिर देखो जो आपको दिया है वो आपने यहाँ मेंशन कर लिया। उसके बाद देखिए सेल्स अगर निकालनी है, सेल्स इन यूनिट में, तो आप निकाल सकते हैं, 20,000 आपका सेलिंग प्राइस है, सेल है, सेलिंग प्राइस आपका है 20, है ना। तो सेल आपकी हो गई यूनिट्स में 1,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं 20 माइनस 4, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 20 है, ये दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 4, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 16। अब आप निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपने यूनिट में निकालना है। फिक्स कॉस्ट आपको दी है 8,000, कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला 16, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया यूनिट्स में कितना, 500 यूनिट्स। रुपीज़ में निकालना है तो यही फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये आपका कितना आ गया, 10,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल आपको दी हुई है यूनिट्स में 1,000 यूनिट्स, है ना, 1,000 यूनिट्स आप निकाल सकते हो। सेल दी है 20,000, एक यूनिट की कॉस्ट है 20, तो यूनिट्स कितनी हुई, 1,000, 20,000 बाय 20, कि 1,000 आपने यूनिट्स में लेने हैं, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने निकाला यूनिट्स में कितना था, 500, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 500। रुपीज़ में निकालना है तो आप अमाउंट ले लो, रुपीज़ में 20,000 आपको सेल दी है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में है 10,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 10,000। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। अगला देखो इलस्ट्रेशन 16, ये आपको सेल दी है, टोटल कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये दी हुई है। आप देखिए आपको जो निकालना है, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो, है ना। उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए, पी वी रेशियो, प्रॉफिट इज़ गिवन फॉर बोथ द इंडस्ट्रीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड।
तो देखिए पीवी रेशियो के लिए हम कैसे निकालते हैं पीवी रेशियो, एस माइनस वी बाय एस, एवरीथिंग इज गिवन। सेल आपको देखो यहाँ पर कितनी दी है, सेल यहाँ है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1 लाख, है ना। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है एस माइनस वी वो कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे आप लेंगे 1 लाख एस माइनस वी डिवाइडेड बाय सेल कितनी है एक्स लिमिटेड की 2 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आपका पी वी रेशियो आ गया कितना 50%, है ना। अब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो एक्स की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है 40,000। ये देखिए प्रॉफिट आपको दिया है 40,000 डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो 50%, तो ये आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया कितना 80,000। ऐसे ही एक्स लिमिट वाई लिमिटेड का, कि वाई लिमिटेड में सबसे पहले आप लोगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल आपको दी है 2 लाख और जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख जो आपको सेल दी है इनटू 100, तो 70% आपकी क्या हो गई पीवी रेशियो। और इसी तरीके से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 70%, तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। तो ये तो पीवी रेशियो की हेल्प से आपने निकाला, ब्रेक इवन पॉइंट की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट आपको दी है 60,000, पीवी रेशियो अभी निकाली थी एक्स की कितनी है 50%, तो देखो 60,000 बाय 50% ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। इसी तरीके से आप वाई का भी निकाल सकते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 70%, है ना। तो इस तरीके से फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख है, 70% किया, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, तो एक्स लिमिटेड में देखिए सेल है आपकी 2 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट जो भी निकाला 1,20,000, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया एक्स का। वाई का 2 लाख माइनस 1,42,857, ये आपके आपका 57,142। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगला भी इसी तरीके का है क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 17, ये करके देख लेना। 2 ईयर्स के आपको डाटा दी हैं, इसमें आपको पी वी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सेल फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट, कि आपको जो है वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट अगर दिया हो कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितने की सेल करनी होगी, तो ये फार्मूलेज यूज़ होते हैं, है ना। या ये कहा हो कि इतनी सेल करनी है तो आप कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे इतनी सेल पर, तो कुछ भी आपको दिया हो सेल या प्रॉफिट, सेल दिया है प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दिया है सेल निकालना है, तो ये फार्मूला आपका यूज़ हो सकता है। तो अब ये देखिए अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो ये फार्मूला यूज़ हो सकता है सेल, यू हैव टू कैलकुलेट कि आपके डिज़ायर्ड प्रॉफिट, जैसे कहते हैं कि पहले वो 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर उनको 50,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए कितना अमाउंट की सेल उनको करनी होगी, तो ये फार्मूला यूज़ होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट वो अर्न करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन इनटू सेल, ठीक है। और इसकी जगह सेकंड ये भी आ सकता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, थर्ड ये भी हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है या जो इजी लगता है फार्मूला वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड कि अगर आपको सेल निकालनी है, है ना, तो ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है पर यूनिट अगर आपको निकालना है, व्हेन डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको सेल निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ होगा फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट, है ना। तो ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब आपको पर यूनिट वाला डेटा गिवन हो, कि आपको प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है, सेल्स पर यूनिट दिया हुआ है, तो आपको सेल्स निकालनी है कि आपको कितने की सेल करनी होगी। सेकेंड यूज़ हो सकता है अगर आपको यूनिट्स की फॉर्म में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 18, ए पार्ट कैलकुलेट सेल्स इन रुपीज़ फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ इसने बताया फिक्स कॉस्ट आपकी है 10,000, सेल्स है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 और डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 5,000। तो आपको निकालना है कि आपको जो है वो कितने अमाउंट की सेल करनी होगी जिससे कि आपको जो प्रॉफिट है वो 5,000 का हो। तो देखिए फिक्स कॉस्ट इज़ गिवन, फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 10,000, वो आप लेंगे, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जो आपने अर्न करना है 5,000 डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये पर यूनिट है तो आप पर यूनिट ले सकते हैं, नहीं है तो आप टोटल अमाउंट भी ले सकते हैं। तो देखो सेल कितना है 50,000 माइनस 30,000 इनटू 50,000। अब आप ये कहेंगे कि सेल हमें निकालनी है और हम सेल ही यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये सेल जो ले रहे हैं ये प्रीवियस सेल है एंड ये यूज़ हो रही है फॉर फाइंडिंग आउट अ पी वी रेशियो,
है ना, पीवी रेशियो का फार्मूला यूज़ होता है ना, एस माइनस वी बाय एस इंटू 100। तो हम उसको निकालने के लिए इसको यहाँ पर ले रहे हैं, ये प्रीवियस जो सेल है, कि अब अगर नई सेल करनी है और उनको इतना प्रॉफिट अर्न करना है, ये फिक्स कॉस्ट है, तो उनको कितने की सेल करनी होगी। तो अब ये देखिए, इसको सॉल्व किया तो अमाउंट आ गया 37,500 की अगर वो सेल करते हैं तो उनको 5,000 का प्रॉफिट आन होगा। या चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि 37,500 की अगर वो सेल करते हैं तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो कितनी होगी, है ना, और इसके साथ साथ आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस करके आप इसको टैली कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट 5,000 ही होगा। सेकेंड पार्ट देखो, फिक्स कॉस्ट है 20,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 10,000, पी वी रेशियो इज़ गिवन, है ना। जैसे यहाँ पर हमने एक तरीके की पी वी रेशियो ही निकाली थी ये इस फार्मूले से, ठीक है। अब यहाँ पी वी रेशियो गिवन है तो आपका फार्मूला यही हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपको दी है 20,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 10,000, तो 20 + 10,000 डिवाइडेड बाई 25 × 100, ये आपका पी वी रेशियो है। यहाँ सेल आ गई 1,20,000, तो इसको भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 1,20,000 की अगर सेल होगी तो प्रॉफिट आपका कितना होगा, 10,000। थर्ड देखिए, फिक्स कॉस्ट गिवन है 10,000, सेलिंग प्राइस है 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 15 पर यूनिट और डिज़ायर्ड प्रॉफिट है ₹1 पर यूनिट। सब पर यूनिट आपको गिवन है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स निकालनी है यूनिट्स की टर्म में तो फार्मूला आपका यूज होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। तो देखिए यही फार्मूला यहाँ यूज़ हुआ, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, जो आपको दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस है 20, वेरिएबल कॉस्ट है 15 5 हो गया, 20 - 15 तो माइनस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 1। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गई 50,000 की सेल। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सेल निकाल सकते हैं। इलस्ट्रेशन 19 देखिए, वो भी ऐसा ही है, यू हैव टू कैलकुलेट द सेल इन यूनिट फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिक्स कॉस्ट दी है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, तो भी आप निकाल सकते हो। नीचे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेंगे, फॉर्मूला आपका यूज़ होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 15,000 प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 5,000 डिवाइडेड बाय 20 - 16, तो ये आपका आ गया 5,000। मतलब 5,000 की अगर आप सेल करेंगे, 5,000 यूनिट्स की, तो आपका प्रॉफिट होगा 5,000। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखिए, फिक्स कॉस्ट है 50,000, कॉन्ट्रीब्यूशन है 60, डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 10, है ना। तो आप यूज़ कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ ले सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट 60 - 10, तो ये आपका आ गया 1,000 यूनिट्स की अगर आप सेल करेंगे तो आपका जो मतलब प्रॉफिट है वो कितना होगा, 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसी तरीके के ये आगे भी हैं क्वेश्चन, इनको करके देखना कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इलस्ट्रेशन 20 में, और आपको सेल दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है ना, तो आपको जो है वो एक्चुअल सेल निकालनी है, तो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो आगे इलस्ट्रेशंस हैं वो करके देखना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।